हेलो एवरीवन मेरा नाम है अदिति आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था एक एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो तो आप लोगों के लिए रोज शाम को सात बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है देखो

आज के टॉपिक पे ट्री ट्रैवर्सल जो थे वो हमारे पास में तीन तरीके के थे ये मैं किसकी बात कर रही हूँ बाइनरी ट्रीज की बात कर रही हूँ एक आपके पास में था प्री ऑर्डर एक आपके पास में था पोस्ट ऑर्डर और एक हमारे पास में था इन ऑर्डर तीन तरीके के ट्रैवर्सल हमारे पास में किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर होते हैं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में एक होता है लेफ्ट चाइल्ड एक मेरे पास में होता है राइट right चाइल्ड और एक मेरे पास में होता है रूट नोड ठीक है ना तो सबकी मैं यहां पर बोल रही हूं ये लेफ्ट चाइल्ड ये आप लोगों का राइट right चाइल्ड ये आप लोगों का रूट नोड अगर मैं इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिखती हूं तो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और ऑर्डर का कैसे लिखते हैं देखो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा उसके बाद में आप लोगों का रूट नोड आएगा उसके बाद में आपका राइट right चाइल्ड आएगा अगर प्री ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले रूट नोड आएगा उसके बाद में लेफ्ट चाइल्ड आएगा उसके बाद में राइट right चाइल्ड आएगा पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो आपके पास में लेफ्ट चाइल्ड आएगा फिर आपका राइट right चाइल्ड आएगा एंड देन आपका रूट नोड आएगा ट्री ट्रैवल्सल का मतलब होता है किसी भी एक ट्री के अंदर हम लोग सभी के सभी नोट्स को कवर करते हुए अगर एक सिंगल पाथ बनाना चाहें तो सिंगल पाथ बनाने को ही हम लोग ट्री ट्रैवल्सल बोलते हैं तो ट्रेवल जो है वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है एक प्री ऑर्डर होता है एक पोस्ट ऑर्डर होता है और एक ऑर्डर होता है किस तरीके से लिखते हैं ये भी देख लिया है हम्म? ठीक है अब अगर आप सभी लोगों को याद हो तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी आपको सिखाई थी दोबारा से छोटा सा रिवीजन करा देते हैं देखो सिनेरियो ऐसा है कि आप सभी लोगों को यहां पर ना कुछ रूल्स याद रखने हैं एक तो हो गया ये बॉटम बोलते हैं इसको मैं लेफ्ट बोलती हूं और इसको मैं बोलती हूँ राइट right. है ना ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है और ये क्या है ये मेरे करंट नोड की क्या है जी करंट नोड की पोजीशन है जिस पर मैं अभी हूं है ना इस नोड पर मैं अभी हूं ये मेरे नोड का लेफ्ट है ये मेरे नोड का राइट right है और ये मेरे नोड का बॉटम है कुछ इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है आप जिस भी नोड पर हो है ना अगर वो नोड बॉटम पर आ रही है तो हम उस या रूट नोड के लिए हम उसका बॉटम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं सही है लेफ्ट के लिए हम लेफ्ट चाइल्ड ही लेते हैं और राइट के लिए हम राइट चाइल्ड ही लेते हैं है ना मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूं कि मैं क्या बोल रही हूं सिनेरियो देखेगा मान लीजिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो है हुँ? अब मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं इसका क्या लिखूंगी तीनों ही लिखूंगी पोस्ट ऑर्डर पे लिखूंगी प्री ऑर्डर पे लिखूंगी सब कुछ लिखूंगी सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इन ऑर्डर इन ऑर्डर मतलब जिसमें रूट नोड बीच में आता है लेफ्ट आता है फिर राइट आता है और बीच में रूट नोड आता है जब भी मैं ट्री ट्रेवल स्टार्ट करती हूँ तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हम लोग ट्रेवल्सल करते हैं अब अगर मैं यहाँ पर देखू तो देखो ये मेरा करंट नोड है और मैं इसके लेफ्ट में हूँ मैं इसके लेफ्ट पे हूँ ठीक है ना ये लेफ्ट ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट ये बॉटम ये बॉटम ये राइट ये राइट ये बॉटम ये लेफ्ट कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को मैं किसी भी करंट नोड के कहां पर हूं मैं अभी लेफ्ट में हूं अभी मैं इसके बॉटम में हूं और अभी मैं इसके राइट में हूं तो मुझे ट्रेवसल जो है वो लेफ्ट टू राइट करना है टॉप टू बॉटम करना है अब इन ऑर्डर के अंदर अपन क्या करते हैं मैम इन ऑर्डर के अंदर पहले लेफ्ट साइड लिखते हो फिर रूट नोड लिखते हो और उसके बाद में आप राइट right चाइल्ड लिखते हो कुछ इस तरीके का सिनारिय होता है कुछ इस तरीके का सिनारिय होता है मैंने ऐसे बोला कि लेफ्ट के लिए left वाले को प्रिंट करना है है ठीक के लिए और राइट right के लिए क्या करना है राइट चाइल्ड कुल मिला के आप लोगों को इन ऑर्डर कब लिखना होता है ट्रिक देखिए इन ऑर्डर आपको कब लिखना है लेफ्ट सॉरी आपको बॉटम के लिए प्रिंट करना है जब भी आप किसी भी नोट के बॉटम में आएंगे तब आप प्रिंट करेंगे प्री में जब भी आप किसी नोट के लेफ्ट में आएंगे तब आप आप प्रिंट करेंगे पोस्ट के के लिए जब भी, भी आप किसी के राइट में आएंगे तो आप प्रिंट करेंगे आई होप कि अभी क्लियर हो जाएगा देखो ध्यान से से दोबारा सेम सिनेरियो है है ठीक ना आप देखो मैं क्या कह रही हूँ इन ऑर्डर लिखकर दिखाइए मैम चलिए अब इन ऑर्डर लिखते हैं मैंने क्या कहा जब भी मैं नोट के बॉटम में आऊंगी तब मैं प्रिंट करूंगी क्या मैं वन प्रिंट करूंगी नहीं क्या मैं टू प्रिंट करूंगी नहीं क्या मैं फोर्थ क्या मैं एट प्रिंट करूंगी जी हां मैम आप सबसे पहले किसके बॉटम में आओगे एट इस के इससे पहले सबके लेफ्ट में चल रहे थे तो सबसे पहले क्या आएगा एट सबसे पहले क्या आएगा एट इसके बाद में आप देखिए किसके बॉटम पे आए फोर के तो अब आप फोर पर प्रिंट करोगे फिर नाइन के लेफ्ट में अब नाइन के आप लोग बॉटम में आए हो तो आप नाइन प्रिंट करोगे फिर आप ऊपर गए तो टू के बॉटम में आए तो अब आप टू प्रिंट करोगे फिर फाइव फिर टेन फिर टेन के बॉटम पे आए तो टेन प्रिंट करोगे इसी तरीके से चलते 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 अब आप किस पे आ गए हो फाइव पे आ गए हो अब आप किस पे आ गए हो फाइव पर आ गए हो सिनेरियो समझ में आया देखो ये क्योंकि थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ है ना ये इस तरीके से बनेगा ये जो है ये इस तरीके से है ना तो पहले टेन प्रिंट होगा फिर आप टेन के राइट में आओगे फिर फाइव के आओगे तो अब मैम फाइव प्रिंट होगा इसके बाद में ऊपर जाके अब आप वन को प्रिंट करोगे, जिसके बॉटम में आगे उसको प्रिंट करोगे थ्री के लेफ्ट में हो सिक्स के लेफ्ट में हो अब सिक्स के बॉटम में आए हो तो सिक्स के बॉटम में फिर थ्री आया तो थ्री फिर सेवन का इन ऑर्डर लिख दिया है इन ऑर्डर कब जब मैम आप किसी भी करंट नोड के किस पे आ जाओ बॉटम पर आ जाओ तब आप उसे प्रिंट कर देते हो ये आपका इन ऑर्डर होता है अगर मैं सेम चीज आप लोगों से किसकी पूछू सेम चीज मैं आप लोगों से बोलू पोस्ट ऑर्डर लिखकर दिखाइए या चलो प्री ऑर्डर लिखकर दिखाते हैं तो तो प्री ऑर्डर में में क्या करना है जब भी आप आप करंट नोड के लेफ्ट हो तो आप उसको प्रिंट कर दो टू <thoughtful noise> के लेफ्ट में हो प्रिंट कर दो फोर के लेफ्ट में हो प्रिंट कर दो एट के लेफ्ट में हो प्रिंट कर दो एट के, के बॉटम पे एट के राइट पर फोर के बॉटम पे नाइन के लेफ्ट पर जब जब आप किसी भी नोड के लेफ्ट पे आओगे तो प्रिंट करोगे नाइन के बॉटम पे वैसे भी प्रिंट हो चुका है टू के बॉटम पे आए अब फाइव के ऊपर आए तो फाइव अब टेन के लेफ्ट पर आए तो टेन फिर ऊपर गए ऊपर गए इसके बॉटम पे आए अब थ्री के फिर सिक्स के फिर सेवन के हो गया ये आप लोगों का प्री ऑर्डर सिमिलर सिनेरियो के अंदर अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि पोस्ट ऑर्डर भी लिख के दिखाओ जी तो पोस्ट ऑर्डर भी लिख के दिखा देते हैं पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है मैम पोस्ट ऑर्डर में हमने ये सीखा है कि आप जब भी किसी भी नोट के राइट पे आएंगे तब उसे आप प्रिंट करेंगे कैसे आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट पे हो लेफ्ट पे हो लेफ्ट पे हो लेफ्ट पे हो बॉटम पे हो राइट पे हो यानी किससे स्टार्ट होगा एट से क्योंकि सबसे पहले आप एट के राइट पे आओगे उसके बाद फोर के बॉटम पे आए उसके बाद नाइन के लेफ्ट बॉटम और राइट फिर नाइन प्रिंट होगा उसके बाद में आप नाइन के राइट के बाद में आप फोर के राइट पर आए हो तो आपका फोर प्रिंट होगा फिर आप फाइव आई I मीन mean, आप टू के बॉटम पे आए फाइव के लेफ्ट पे आए टेन के लेफ्ट पे आए टेन के बॉटम और टेन के राइट पर आए तो टेन प्रिंट होगा फिर आपका फाइव प्रिंट होगा फिर टू प्रिंट होगा इसी तरीके से आप लोगों का जो है वो सिक्स प्रिंट होगा फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का सेवन प्रिंट होगा फिर थ्री प्रिंट होगा और फिर आप लोगों का वन प्रिंट होगा ठीक है जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी ट्रिक अप्लाई होगा ठीक है ना अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो उतना ही बड़ा कंफ्यूजन होगा जितना ज्यादा आपका बड़ा क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है ये ट्रिक याद करिएगा आपका काम हो जाएगा जब भी आपसे बोले इन ऑर्डर लिखाओ जब भी आपसे बोले पोस्ट ऑर्डर लिखाओ या फिर प्री ऑर्डर लिखाओ हमेशा याद रखना लेफ्ट पे किसी भी नोट के आए हो और आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो प्री ऑर्डर निकाल रहे हो जब भी आप किसी नोट के बॉटम पर हो और आप प्रिंट कर दे रहे हो तो आप इन ऑर्डर बना रहे हो किसी भी पोस्ट ऑर्डर तो बना दे रहे हो सिंपल एकदम सिंपल समझ में आ गया जो मैंने तरीका सिखाया ये बहुत काम आएगा आपके आगे लाइफ के अंदर ठीक है तो अगर आपको ये नहीं आता है तो उसको सीखो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हम कुछ नया सीखे ठीक है जी समझ में आ गया पोस्ट का मतलब जब भी आप नोट के राइट में आओ तो प्रिंट कर दो प्री का मतलब क्या है कैसे है सब हमने सीख लिया